बीते 24 मार्च से बरवाडी रेलवे कॉलोनी में झारखंड सरकार विद्युत विभाग के करोड़ों रुपए की बिजली बिल बकाया होने के कारण रेलवे कॉलोनी के विद्युत आपूर्ति को विभाग के द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके बाद पूरे रेल क्षेत्र में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। पूर्व की तरह विद्युत आपूर्ति बहाल करने को लेकर रेलवे के अधिकारियों और झारखंड राज्य विद्युत विभाग के बीच कई दौर वार्ताओं के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। वहीं सोमवार को रेलवे क्लब महिला समिति की सदस्य और प्रतिनिधि मंडल की महिला समाजसेवी संतोषी शेखर के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय से मुलाकात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और जिले के उपायुक्त के नाम मांग पत्र सौंपने का काम किया गया, जहां मांग पत्र के माध्यम से भीषण गर्मी, नवरात्रि, रमजान, चैती, छठ जैसे पवित्र त्योहारों के साथ साथ दसवीं और बारहवीं के चल रहे परीक्षाओं के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद होने से हो रही परेशानी से अवगत कराने का काम किया गया। साथ ही साथ मांग पत्र के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए विद्युत आपूर्ति पुनः बहाल करने की भी मांग झारखंड सरकार और राज्य विद्युत विभाग से की गई। महिला समिति के द्वारा उपायुक्त व मुख्यमंत्री के साथ साथ स्थानीय सांसद और विधायक को भी पत्र भेजा गया, ताकि जल्द से जल्द रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल हो सके और समस्याओं से निजात मिल सके। बरवाडी से सुमित कुमार की रिपोर्ट। हम ये बात करते हैं कि इस मौसम में दो महीना कम से कम टेम्प्ररी रिलीफ दे दे बिजली विभाग, ठीक है। दो महीना में उसको रिलीफ दिलवाने की कोशिश करते हैं। दो महीना कम से कम गर्मी भर आश्वासन मिला। बिजली ऑफिस में हम लोग कॉलोनी में 24 मार्च से कटा हुआ लाइट, जिसमें कि काफी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं, ठीक है। और अभी व्रत का महीना चल रहा है, जिसमें रमजान है, नवरात्रि चल रहा है, बच्चा लोग का एग्जाम चल रहा है, छठ चल रहा है, तो उसमें काफी परेशानी हो रही है। क्या आश्वासन क्या मिला वीडियो से? उसमें आश्वासन मिला है कि 8 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं पूरा लाइन देने का, 2 महीना इस गर्मी में हम आपको जरूर दिलवाते हैं। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती।